नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको मैं बताऊंगी कि इस तरह का फ्रंट नेक घर पर कैसे बनाते हैं और इस पर ये पाइपिंग कैसे लगाते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह का गला बनाने के लिए हम ये बटन लेंगे और इस तरह की राउंड शेप की एक पट्टी लेंगे। कई सारी पट्टी काट लेंगे। ये किस तरह से काटनी है, जैसे ये हमारा कपड़ा है तो इसको इस तरह से रखेंगे। पहले इतनी कटिंग करके ये ऐसे हो जाएगी। फिर इस तरह से 2 इंच पर हमें मार्क लगाना है। इस तरह से फिर इस तरह से हम 4-5 पट्टी काटेंगे। 4 नहीं 3 में काम चल जाएगा। जैसे ये मैंने काट ली है तो फिर ये जोड़ लेनी है। ये जोड़नी किस तरह है, जैसे ये इस तरह का ये हमारा ये भाग है, ये हमें इस तरह से नहीं रखना। जो छोटा वाला है वो इस तरह से ये इस तरह से रखकर सिलाई कर देंगे। ये 2 इंच की हमने इसलिए काटी है क्योंकि हमें जो पाइपिंग लगानी होती है हम मोड़ करके लगाएंगे इस तरह से। और इस शेप में हमें ये गला काट लेना है। चाहे आप गोल शेप में भी काट सकते हो, चाहे आप डिजाइन भी थोड़ा सा यहाँ पर डिजाइन बना सकते हो। फिर हम यहाँ पे 6 इंच पर निशान लगा के नीचे को काटेंगे। चाहे आप छोटा भी रख सकते हो और इसको बड़ा भी रख सकते हो। मैंने 6 इंच पर ये बीच में से इस तरह से काटा है। अब हमें ये जोन किस तरह से पाइपिंग लगानी है अब मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये हमारी इस तरह से है, ये पट्टी है, इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे इस तरह से। फिर यहाँ रखेंगे और जो ये है निकला हुआ क्या इसको इकसार कर लेंगे। अब यहाँ पर रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। इस तरह से रखना है और अब सिलाई करेंगे। जब ये पाइपिंग लगाते हैं तो इसको खींचना नहीं है, बहुत आराम के साथ लगाना है, हल्के हाथ से। इधर की साइड पे लगाने के बाद अब हम इधर की साइड में पाइपिंग लगाएंगे। यहाँ पर थोड़ी इसको इधर की साइड में इस तरह से करके थोड़ा खींच कर लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हल्के हाथ से ही लगाएंगे। ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब करना क्या है, ये इस तरह से इसको पकड़ना है और यहाँ पर इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे पास पास में इसकी, ये इस तरह से और इस तरह से। तो ये हमारी पाइपिंग बन जाएगी।
ये इस तरह का हो जाएगा। फिर हमें करना क्या है? हम एक इस तरह की एक पट्टी लेंगे, उसको इस तरह से रख करके इधर की साइड से ये इस तरह से रखनी है। फिर यहाँ पर हम मशीन से स्टिच कर देंगे। अब मैं इस तरह से इस पर मशीन चलाती हूँ। ये उल्टी साइड से रखना है हमें बिल्कुल, इसको इस तरह से करके तब ये इस तरह से, और जो स्टिच करनी है वो सीधी तरफ से करेंगे, उल्टी तरफ इसको रखना है और इस तरह से बहुत सावधानी के साथ। ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये हम इस तरह से हमने इस पर ये सिलाई कर दी है। और ये जो उठा हुआ पार्ट है ये इस पर हम तुरपन कर देंगे सुई से, तो ये सिलाई दब जाएगी। और फिर सुई से ये इस पर बटन अटैच करेंगे, ये इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से आप अपने सलवार का गला, सूट का गला बना सकते हो। बाय।